थोड़ा सा हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, हाथ दिखाइए अरुण जी, बज बज बज। बाकी कुछ अंदरूनी चोट है, कुछ अंदरूनी चोट भी है, बोलो। ये बयान भाई, नहीं करता ये ग्लव्स बचा गया भाई, इसे ये थज नहीं करना, देखो ये देखो कपड़े भाई के। कोई नहीं, एक्सीडेंट तो छोटा मोटा होता रहता है यार। हम पहुंचे हैं भोलेनाथ के मंदिर, देख सकते हैं यहाँ पे गुरुद्वारे का है भाई। यहाँ पर पानी खोल रहा है, खोल रहा है जिसको बोलते हैं ना, कि तगड़े तरीके से खोल रहा है। ये देखो भाई, भाई खोल रहा है, टुकने टुकने टुकने। अरुण जी, बहुत गहरा मेरा, ज्यादा गहरा है। राम राम राम। पूछ जरा भाई से, भाई से पूछ पाएंगे अगला स्टेप पे गहरा। अरुण अभी बैग चला रहा है, तो अभी रुके हैं हम यहाँ पर, देखते कुछ शॉपिंग शॉपिंग करते हैं अगर कि नहीं। भाई देखो यार कितना तेज है भाई बहाव, देखो तो। हेलो गाइस यार, स्वागत है आप सबका, गुड मॉर्निंग। आज है डे थ्री, तो अभी हम पहुंच चुके हैं रात में मणिकरण पहुंच चुके, और आप लोगों को यहां से व्यू दिखाता हूं यार भाई साहब। ये देखो भाई, डर ही लग रहा है आगे तो, देखो तो देख रहे हो। ये देखो यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ पिल्लर कैसे टिका, देखो भाई उस पार हो भाई, पानी में चले भाई, पिल्लर कैसे टिका होगा यार। ये देखो भाई, चार नदी है भाई, आई ऊपर ठीक बारिश हुई है लगता है, क्या उफान थे भाई नदियों, खतरनाक। भाई डर ही लग रहा था देख के, तो अभी नहाने चलते अब और निकलते हैं शिमला के लिए फिर। भाई देखो यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम जा रहे हैं स्नान करने। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा गर्म पानी में मत रुकना, चक्कर भी आ सकते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं 5-1 मिनट तक रुकेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर द्वार से जाएंगे अस करके नहाएंगे। तो व्यू देखो यार, क्या ही व्यू आ रहा है भाई साहब, देखो अंकुश भाई मुफ्त देखिए गाइस, सुनते प्रीमियर लीग क्रिकेट फैन कराया। तो हम दोस्तों पहुंच चुके हैं मणिकरण साहिब में, जहां पर स्नान करते हैं। देखो भाई कितना गर्म पानी, यहाँ पे स्नान करेंगे, तैयार होते हैं फिर खोलते कपड़े। अरुण जी, बहुत गर्म है, अभी थोड़ा गर्म है, ठीक है पहले यहीं बैठेंगे। ओ भाई इतना तो काफी है, बढ़िया भाई। ज़्यादा गहरा है तो नहा धो के हम आ चुके हैं, बड़ी मज़ा आ गया, इतना अच्छा पानी है, साफ पानी था, आनंद आ गया। अरुण कहाँ जा रहा है? पहाड़िया भाई, क्या सुंदर जगह है, तो मणिकरण, ब्यूटी ऑफ हिमाचल, ब्यूटी ऑफ मणिकरण।
तो चेंज चूंज करते हैं अब, और तैयार होते हैं निकलते हैं यार 7-8 हो गए, दर्शन करते बाबा जी के भोलेनाथ के, उसके बाद सीधा श्रीनगर को निकलेंगे। मजा आ गया फिर भाई, सफल हो गया यहाँ ना भी। चलो तो हम जा रहे हैं गर्म गुफा में दर्शन करने। भाई कितनी गर्म है, यहाँ पे है वो गर्म गुफा भाई, इतना गर्म है ना नीचे भाई, बहुत गर्म है। तो हम पहुँचे हैं भोलेनाथ के मंदिर, देख सकते यहाँ पे गुरुद्वारा खाद है भाई, यहाँ पर पानी खोल रहा है, खोल रहा है भाई, जिसको बोलते हैं ना कि तगड़े तरीके से खोल रहा है। ये देखो भाई पढ़ लो गाइस, पॉज करके पढ़ लेना। तो भाई यहाँ देखो भाई भोलेनाथ के मंदिर के पास ही भाई, बिल्कुल देख रहे हो भाव, देखो भाई भाव भाई साहब। और यहाँ पर भी है नहाने के लिए गर्म पानी, रख सकते हैं आप यहाँ भी नहा सकते हैं मंदिर के इसमें कोने में। नंदी जी तो हम पहुंच चुके हैं मणिकरण, भोलेनाथ का मंदिर है, बाबा जी का दर्शन हमने कर दिया। और यहाँ पर देखो भाई चावल पकड़े गर्म पानी में, दर्शन कर लो भोलेनाथ के यहाँ से सभी लोग। तो अब हम यहाँ से चल पड़े दर्शन कर दिए बाबा जी के और भोलेनाथ के, और ये रहा पीछे को गुरुद्वारा। तो अब जाते हैं यहाँ से और आपको सीधा मोटर व्लॉगिंग सेटअप पर मिलते हैं। तो गाइज हम चल पड़े मणिकरण से, जय बाबा जी जय भोलेनाथ, कृपा करना अच्छे से हमें शिमला पहुंचा देना। तो भाई मज़ा आ गया भाई नहा कर भी, और स्टे भी ठीक रहा। तो अगर आप मणिकरण आ रहे तो आ सकते हैं यहाँ पर, अभी भी कुछ ऐसा नहीं है, पर हाँ भाई नदी बहुत तगड़े लेवल से भाई, बहुत तेज है। तो आप लोगों को ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई रात को तो कुछ पता ही नहीं लगा, इतनी तेज खींची थी हमने भाई बाइक, आज आराम से चलेंगे, आज आराम से तो नहीं चलेंगे, खींचेंगे तेज ही, पर अच्छे से दिखेगा हमारे परे। तो बाकी आप लोग कमेंट कर दो यार कि क्या कमी है व्लॉग में, आप लोगों को कैसे व्लॉग दिए भाई, मज़ा आ रहा है। ठंड और पानी भी भाई मजा आ गया, गर्म पानी इतना सही था ना भाई, नहाने का मजा आ गया। बाकी चलो आगे अब कैमरा ऑन करूँगा यार, एक बैटरी भी कम है फोन में, चार्ज ही नहीं हो रहा था यार, सुबह लगाया था चार्जिंग में, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। वहाँ आके रुकेंगे जहाँ टोल है आइए ना, वहाँ खाना खाएंगे, जहाँ रात को खाया था वहाँ अच्छा खाना मिला था, एक बार वहाँ करेंगे। तो चलो मिलते हैं वापसी से, कब यार यहाँ पर भाई पार्टी प्लेसेस है ना भाई, जैसे गोवा है ना भाई, वैसे हिमाचल का ये मिनी गोवा है, पार्टी के लिए बहुत बढ़िया फिल्म जगह भी होता है। तो साल में बाहर की कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अलग से इनको यहाँ पे तो अभी रुके हैं हम यहाँ पर, देखते कुछ शॉपिंग शॉपिंग करते हैं अगर कि नहीं पसंद आता है कि नहीं। पर यार बैग में जगह है तेरे, जगह नहीं है भाई। बाकी यहाँ पर भाई स्टाफ बहुत प्यारा है भाई,
तो दोस्तों हमने यहाँ से सामान ले लिया, एक खींचते यहाँ पर बाइक को, दौड़ते हैं यहाँ से, बहुत दूर जाना है अभी। ऐसे पेड़ बना ली हुए थे जहाँ हिडिंबा देवी टेम्पल जाते थे। भाई यहाँ पे रोड ख़त्म ही हुआ हुआ होगा जब बरसात आई होगी, तभी यहाँ पे हाल है। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं गुंजर, और भाई यहाँ पे रोड देख, भाई यहाँ वाली रोड में यहाँ पर बार देवता जी का पूजा हो रही है, स्नान वगैरह पता नहीं भाई क्या वारा है कि बारी होगा, बाकी पता नहीं भाई बारी शायद वहाँ पे जो लोग बार, और यहाँ बहुत खुश है। चलो मंदिर जाते दर्शन करते चलते हैं यहाँ से। तो यार दोस्तों यहाँ पर पहले ना जब मनाली जाते थे, जब से टनल नहीं थी तो यहाँ से लोग जाते थे भाई माता के इधर से, और भाई यहाँ पे दर्शन करके ही जाते थे हड़ोगी माता मंदिर के पास। हर एक गाड़ी रुकती थी भाई, बोलते थे कि यहाँ से जब मनाली जा रहे तो आप यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ पे रुकना जरूरी है, माथा टेकना जरूरी है। तो जब से फोर लेन बना तो भाई यहाँ पर देखो आवाजाही बिल्कुल नहीं है भाई, कोई नहीं आया भाई, हम स्पेशल आए माथा टेकने, ताकि मैंने कहा यहाँ ही है टनल के पास तो माथा टेक लेते, और एक गाड़ी नहीं दिख रही भाई। और आगे रोड बंद है क्योंकि वहाँ पर जो ये पिछले साल जो बरसात ने नुकसान किया था उसके बाद थोड़ा रोड ख़राब है बहुत, इसलिए यहाँ से आना जाना बंद किया हुआ है नच वालों ने। तो यार पर मार देखो पड़ती है यार, देखो भाई खाली है भाई यहाँ पे सुनाए वगैरह भी, यहाँ लोग रुकते थे भाई, भाई इतना रश होता था ना यहाँ, हम आए थे मनाली जाते थे तो इतना रश होता था ना भाई, अब देखो भाई एक गाड़ी नहीं यहाँ। और ये रहा पहाड़ को मंदिर, ये दर्शन कर लीजिए आप हड़ोगी माता मंदिर के। तो भाई
मार देखो कितनी पड़ गई एनएच की भाई टनल की। तो यार अगर आप मनाली जा रहे हो यार थोड़ा सा ही यहाँ पे टनल के साथ ही दर्शन कर लीजिए, वहाँ उसके मनाली चले जाइए, पर आइए यार जरूर कर लीजिए माता जी के दर्शन आगे जय माता जी। और चलते अब आगे, और आगे यहाँ पर देवता जी भी देख लिए होंगे हमने, देवता जी का कुछ चलाएंगे लोकल में। चलो लगाता हूँ फ़ोन को, माउंट करता हूँ, मिलते आगे। कहाँ हूँ बेटा, सीन देख इसके भाई यहाँ पे गाइस देवता जी का इनके कुछ लोकल में चला है, होगा कुछ यहाँ पर तो वो चला है यहाँ पर। चलो गाइस आगे मिलते हैं आपको। तो दोस्तों हम रुके पंडोर के पास थोड़ा दिखाने के लिए भाई, ये देखो तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कहां सुंदर नगर से थोड़े पीछे, कौन सा पुल, बग्गी पुल, बग्गी पुल से। और ये राही देखो लेक, सुंदर नगर लेक यहीं से जाती है, वहाँ से हम कट चुके हैं भाई। क्या व्यू आ रहा भाई, क्या सेक्सी लग रही है। सिनेमैटिक लेता हूँ थोड़े बाइक के, आपको भी दिखाता हूँ। चलो सिनेमैटिक एंजॉय करो भाई, चलो। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा हो गया ना भाई, ठुल गए मोटे तरीके से भाई, 5 बज गए और अभी शिमला 100 कुछ किलोमीटर बता रहा है। और व्यू देखो यार, बाकी कुछ होगा देखो भाई। स्विगी क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है, दुखदायक ये है मिस्टर अरुण की गलती, साफ साफ मिस्टर अरुण की गलती है ये। अभी देखो यार क्या ही व्यू आ रहे हैं, और मिस्टर अरुण खुद गायब हो चुके हैं। मिस्टर अरुण रुके भी नहीं, मिस्टर अरुण रुके भी नहीं, और ये रहा स्वगी अरुण भाई। चलो यार खींचते हैं स्वगी, चले भाई व्यू देखो। चलो मिलते हैं नीचे, अगर सब मेन रोड में पहुंचेंगे तत्ता पानी वाले, वहीं मिलते हैं। चलो तो दोस्तों यहां पर पहुंचने वाले हम कौन सी जगह है, नीरी पहुंच चुके हैं। और यहां अरुण जी का थोड़ा सा हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, हाथ दिखाइए अरुण जी, बज बज बज, बाकी कुछ अंदरूनी चोट है, कुछ अंदरूनी चोट भी है बोलो। ये बयान नहीं कर पा, ये ग्लव्स बचा गया भाई, ये था इसने पहना, देखो यार ये सचिन ने ना एकदम काटा यार पंख को मोड़ना भाई, यार ऐसी का कोई बात नहीं। नहीं मैं बताता हूँ भाई क्या हुआ, आगे चल रही थी गाड़ी और गाड़ी ने मारी एकदम ब्रेक, और भाई कोई मानी पड़ी किचे पे ब्रेक, तो पता ही आपको किचे पे ब्रेक मार दी डिस्क है, तो भाई पड़ गए लंबे बाइक समेत।
देखो लेग गार्ड वगैरह हम कुछ भाई तो बढ़िया आगे पीछे चला रहे इसको। यहाँ भी देखो यहाँ भी स्क्रैच चल रहा है। ये देखो कपड़े भाई के। कोई नहीं, एक्सीडेंट तो छोटा मोटा होता रहता है यार, रोड में चलना तो भाई बहुत कुछ होता है। क्यों डिस्क क्या तो इमरजेंसी में तो मान पड़ा। अरे देखो इसकी वजह से बचा भाई ये। ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई, बोलते ग्लव्स लेडीज पहन के आज लगा पता। कौन पहनता है? राइडर। राइडर तो यार दोस्तों, पिछले कल हम बसंतपुर में ही रुके थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और पूरी रात बारिश रही। कम से कम 8 बजे लगी बारिश और हमारे को 11 बज गए थे भाई। यहीं पे बारिश ही नहीं रुक रही थी तो हमने यहीं रूम लिया। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इस व्लॉग इस सीरीज में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्रिप में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। तो ऐसे व्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा चैनल में। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।